बायोलॉजी भावना एरा क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम इसका थर्ड विटामिन का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड है फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये विटामिन ई के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो विटामिन ई होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और इसके अपन स्रोत जान लेते हैं, स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं इसके स्रोत, तो अपन देख लेते हैं इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ये एक तो बादाम में पाया जाता है, बादाम का तेल, और जो पत्तेदार सब्जियां हुई फ्रेंड्स, पत्तेदार सब्जियां, बादाम का तेल, पत्तेदार सब्जियां, और मैं आपको बता देती हूँ ये किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, और मक्खन में, किस में फ्रेंड, मक्खन में भी ये पाया जाता है, मक्खन में, और अंडे का जो योक होता है, अंडे का योक, या उसको पीतक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है फ्रेंड्स, योक में भी ये पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो आपको इसका रासायनिक नाम पता चल गया फ्रेंड्स, इसके सोर्स भी पता चल गए। अब हम इसके, आप देखना चाहो तो इसको किस किस नाम से और जाना जाता है, साधारण नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ इसको जो अन्य नामों से भी जाना जाता है, साधारण नाम से भी इसको जाना जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि इसका साधारण नाम या अपन इसके अन्य नाम भी बोल सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है फ्रेंड्स, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है इसको, ब्यूटी विटामिन, इसको एंटी स्टरलेटी, यानी कि जो स्टरलाइज होता है, जैसे फ्रेंड्स अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबद्धता, जिसको प्रतिबद्धता बोला जाता है, विटामिन बोला जाता है इसको, उसके नाम से भी अपन जानते हैं। और दूसरा जैसे अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी एजिंग भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, एंटी एजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो एंटी एजिंग के नाम से भी इसको फ्रेंड्स जाना जाता है, एंटी एजिंग विटामिन भी इसको कहा जाता है। और इसको फ्रेंड्स लिंक विटामिन भी कहा जाता है, फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखना, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप ये तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टोरेज यानी प्रतिबद्धता विटामिन के नाम से जाना जाता है, एंटी एजिंग के नाम से जाना जाता है इसको, लिंक विटामिन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको फ्रेंड्स, इसकी जो न्यूनता डिफिशियंसी होती है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो पहला, जैसे कि आम जो किताबों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे वहाँ लिखा रहता है पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है, वो किसकी कमी से, इसमें ही देखने को मिलती है, विटामिन ई की कमी से हो जाती है, ठीक है, नपुंसकता आ जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, जो स्पर्म होते हैं कम बनते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट नोट लिख के बता देती हूँ, स्टार लगा के बता देती हूँ कि जो आम बुकों में आप देखोगे तो वहाँ पुरुषों में लिखा रहता है, लेकिन इसके पुरुषों में कोई भी मतलब इसका सही से मतलब सिद्ध नहीं किया गया है कि इसकी वजह से मिलता है, लेकिन आम बुकों में पुरुषों में ही लिखा रहता है। वैसे ये जो नर चूहे होते हैं, नर चूहों में नपुंसकता पाई जाती है, नपुंसकता आ जाती है। किससे आ जाती है? विटामिन ई की कमी से। और ये सिद्ध भी हो चुका है, और लेकिन ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आमतौर पर बुकों में यही लिखा रहता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है कि जो नर चूहों में इसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में एक तो ये हो गया, दूसरा हम मैं आपको बता देती हूँ कौन सा रहता है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो भ्रूण होता है, भ्रूण में ही क्या होती है, इसकी कमी से मृत्यु हो जाती है। जो बच्चे होते हैं ना, तो भ्रूण में क्या हो जाती है, भ्रूण में मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो अबॉर्शन की संभावना इसमें क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे क्या है, और एक और क्या होता है, इसे मांसपेशियां क्या होती हैं, ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी कमी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी कमी से क्या आ जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसकी कमी से क्या आ जाता है, जो क्या बोलते हैं, इसकी कमी से जो झुर्रियाँ होती हैं चेहरे पे, ये आपने देखा होगा, इसकी कई विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं जिनका आजकल ब्यूटी में यूज करते हैं, फेशियल वगैरह किया जाता है, तो वो इसी से किया जाता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये किस प्रकार है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको देखो, अपने यहाँ पे पढ़ा था, तो इसको प्रतिबद्धता यानी कि एंटी स्टरलिटी यानी स्टरलाइज वो बोलते हैं अपन, नपुंसकता के बारे में बोलते हैं। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्पर्म नहीं बन पाते। दूसरी क्या होती है, इसको ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आजकल इसका ब्यूटी में यूज होता है, झुर्रियाँ वगैरहों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी का विखंडन होने लगता है। आरबीसी का क्या होने लगता है फ्रेंड्स, इसमें विखंडन होने लगता है, इतना आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसे मतलब इसके कार्य के क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव देख सकते हैं अपन इसके, क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, यह शुक्राणुओं के निर्माण हेतु आवश्यक है, इतना याद रखना फ्रेंड्स, ये शुक्राणुओं के निर्माण हेतु आवश्यक है। दूसरा क्या है, यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, और इन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, और बयता को कम करने में भी उपयोगी है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप याद रखना, बयता को कम करने में उपयोगी है, बयता मतलब एंटी एजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन या अपन एंटी एजिंग विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको कम करने में भी ये क्या है,
सही है, उपयोगी है। नेक्स्ट अपन एक और क्या देख सकते हैं, यह त्वचा में जो दाग धब्बे धब्बे होते हैं, चुर्रियाँ होती हैं, और मैं लिख देती हूँ त्वचा में दाग धब्बे और झुर्रियाँ, झुर्रियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, झुर्रियों झुर्रियों को क्या है, कम झुर्रियों को क्या है ये, कम करने में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सहायक सहायक होता है। और दूसरा क्या है, ये आरबीसी को मैंने आपको पहले बता दिया, आरबीसी का विखंडन होने लगता है इसकी कमी से, तो विटामिन ई होता है, तो ये क्या करता है आरबीसी को टूटने से बचाता है। तो फ्रेंड्स ये तो विटामिन ई के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए आप ये, वैसे चैनल नया है मेरा, और प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगे वीडियो, और आप जो भी है आपका सजेशन है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था जो विटामिन डी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसको फ्रेंड कैल्सी फेरोल के नाम से भी जाना जाता है, कैल्सी फेरोल, जैसे कॉली कैल्सी फेरोल, कैल्सी फेरोल, कैली कैल्सी फेरोल, इसको कैल्सी फेरोल के नाम से भी जाना जाता है, और कैली कैल्सी फेरोल भी इसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस विटामिन डी के बारे में था, मैंने आपको बता दिया, जो रिकेट्स वगैरह के काम में आता है, और इसके जो कार्य होते हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण में ये कार्य करता है, उपापचय के नियंत्रण में, अस्थियों तथा दांत के निर्माण में भी ये सहायक होता है विटामिन डी, तो मैंने उसमें ये सहायता बताया नहीं था, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका नोट भी मैं आप डाल देती हूँ विटामिन डी का, जो भी लोग देखा होगा वीडियो तो आप इसे भी देख लेना, उसमें तो इसमें क्या करता है वो, इसके जो कार्य होते हैं विटामिन डी के, कैल्शियम तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस का क्या करता है फ्रेंड्स, ये उपापचय करता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का फास्फोरस और उपापचय के निर्माण में क्या होता है, ये उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, उपापचय पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बता दूं, आपको पता ही होगा ये दांत निर्माण में और अस्थि निर्माण में भी ये सहायक होता है, आप वैसे भी देख सकती हो, दांत एवं अस्थि निर्माण में भी सहायक होता है। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, तो ये विटामिन ई के बारे में है, अपन देख लेते हैं वरना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड।